जी कैसे हैं आप शुएब? सर आई एम नाइस सर। ओके। आपने मुझे नहीं भेजा अभी तक अपने होमवर्क? सर अभी याद आई है सर, लिख के रखा हुआ है, काम याद नहीं रही सर। चल, यहाँ से क्लास के बाद मुझे भेज देना। और क्योंकि आज यस हमारे सर, ये क्लास खत्म हो गई। जवाब आज छुट्टी पे है, कोई जॉब का इंटरव्यू है जॉब के लिए, तो उसको मैंने कहा कल लाजमी ओके आया सर। एकेडमी। कल आपने एकेडमी साहब ने आना है, पता ना आपको जगम से, तो यस सर। हाँ कल हमारा जो है प्रॉपर जो सिस्टम पहले होता था शुरू हो जाएगा। कल से सारे तमाम स्टूडेंट अपने एकेडमी आएंगे, क्लासेस अपनी ज्वाइन करेंगे जैसे पहले होती थी। ओके तो सर। ये है कि वैसे भी कल रिविजन है, फिर पर्सनल टेस्ट भी है आपका, तो आज हमारा आखिरी टेंस है, ठीक है ना? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, टेंस हमारे 11 हो गए ना, तो आज 12वां टेंस से आ सर जाएगा। टेंसेस सारे हो गए सर, टेंसेस कंप्लीट हो गए हैं ना नहीं सर। नहीं नहीं भूल रहे हैं आप, कल मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस करवाया था, आपको मुझे याद। नहीं सर, कल 12 टेस्ट था सर, एक्टिव पैसिव भी हो गए हैं सर। ओके ओहो, ये दूसरी क्लास है वो, सॉरी सॉरी, वो दूसरी क्लास है, वो क्लास ही काफी लेता हूँ ना मैं। यू आर राइट। आज वो डेट स्पीच जो है वो है, ट्रैक्ट इंटर सर, उसके रूल्स थोड़े से रूल्स। हैं, ठीक है। एक्टिव पैसिव आपके हो गए, वो जो रूल्स है ना डेट स्पीच, डेट स्पीच के रूल्स आपको लिखवा देता हूँ। फिर ये है कि आप उसको भी दे ग्रुप में जब भेजेंगे, ग्रुप में जब और भेजेंगे तो वो भी जवाब को मिल जाएगा ना। तो आप डेट स्पीच, डेट स्पीच हमने माशाल्लाह पार्टिसिपेशन स्पीच हमने कर लिए हैं, हमने 12 टेंसेज हमने कम्प्लीट कर लिए, हमने नेगेटिव सेंटेंसेज कर लिए हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज कर लिए हैं, हमने एक्टिव पैसिव वाइज कर यस सर, लिए है, और आज हमने डेट स्पीच, यस डेट सर, स्पीच जो है इसके जो हैं इसमें 3 दिन लगेंगे हमारे, ठीक है। ये वैसे भी आखिरी है हमारा, यस ग्रामर का लास्ट पार्ट है ये, इसके बाद लैंग्वेज शुरू हो जानी है। सर, यस सर, तो ये टेस्ट यस आपके सर, लिए बड़ा ही अहम है जो आ रहा है, जो सैटरडे को आपका टेस्ट आ रहा है, तो यस सर, उसमें ये बहुत अहम, क्योंकि इसके बाद लैंग्वेज की तरफ हमें जाना है, मूव करना है हमने इंशाल्लाह। तो ये अगर वो कल आ जाता है अगर जवाब मामले से, तो हम इसको कल, हम इसको 2 दिन भी जो है ना, अगर क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये 3 दिन लेता है ये डेट स्पीच, आज कल और परसों, फिर सबको हम मंडे को ले लेंगे आपका, ठीक है ना, यस ताकि वे भी यस आपको सर, क्लास में शामिल कर लें ये सब चीज़ें, तो फिर हम लैंग्वेज की शुरू कर दें इंशाल्लाह। तो आज हमारा डेट स्पीच, इन डेट स्पीच जो है लास्ट हमारा लेसन है ग्रामर का, इसको लैंग्वेज क्लास की तरफ जाना है हमने। ये है, आप नोट करें, इसके बेसिक रूल मैं लिखवाऊंगा आपको आज, और इसके बाद हमने शुरू करनी है इसकी एग्जाम्पल आगे, फिर डायरेक्ट स्पीच एंड यस सर, इनडायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये जी आपके इसके बेसिक रूल लिखेंगे आप, फिर ऐसे मजेबा करेंगे उसमें, आपने अप्लाई करेंगे रूल्स को, तो फिर आप ये भी सीख जाएंगे आप। यस सर बोले। तो आज इसको आप जो इंग्लिश में लिखेंगे एज यूजुअल, तो क्या लैंग्वेज, वी हैव टू यस स्टार्ट सर, लैंग्वेज, सो यू हैव टू राइट ऑल रूल्स इन इंग्लिश एज यूजुअल, एज यू नोटेड, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिव पैसिव वॉइस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस लाइक दैट, सेम हियर लाइक टेंसेस। लेट आई स्टार्ट, रूल नंबर वन, यस सर, इन द डायरेक्ट स्पीच, इन द डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, इन द डायरेक्ट स्पीच, इन द, यस सर, डायरेक्ट स्पीच ये नंबर, इट इज फर्स्ट नाउ, इन द डायरेक्ट स्पीच यस सर, टू पर्सन्स टॉक फेस टू फेस, टू पर्सन्स टॉक फेस टू फेस, टू पर्सन्स टॉक फेस टू फेस। यस सर, फेस टू आई विल फेस लिख एक्सप्लेन दिया है। यू, ओके, वेन आई विल नोट यू ऑल रूल्स, देन आई विल ऑल्सो, आई विल ट्राई टू गाइड यू इन उर्दू एंड इंग्लिश मिक्स। यस, रूल नंबर टू नाउ, रूल यस नंबर नंबर टू, वी चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, वी चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच।
लिख लिया सर। नेक्स्ट, वी यूज कोमास इन द डायरेक्ट स्पीच। वी यूज कोमास इन द डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस इन द डायरेक्ट स्पीच। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस इन द डायरेक्ट स्पीच। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस इन द डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, इन द डायरेक्ट स्पीच। यस सर, नंबर फाइव। ओके, नेक्स्ट रूल, फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग, आर ई पी ओ आर टी आई एन जी। लिख लिया सर। एंड इसके साथ ओके, एंड द अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, एंड द अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड, आर ई पी ओ आर टी ई डी, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच सर, लिख लिया। नेक्स्ट 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 नंबर, next point, we have to write, we have to write reported speech within commas in the direct speech. आप थोड़े हैं, आप थोड़े, आप थोड़े, आप लिखें we write, we write, we write, yes sir, we write, we write, we write to we write to reported speech, reported speech within commas. We write to reported speech within commas in the direct speech, in the direct speech. Yes, sir. Okay. Next. Next rule, next number. Yes, sir. We can change. We can say, we can change to five type of sentences. Five type of sentences from direct speech to indirect speech. Okay. You have to write with it now, as given below. As given below. जैसे कि नीचे दिया गया है, एज गिवन बिलो, इसी के साथ लिखने आपने, एज गिवन बिलो। यस सर, एज गिवन बिलो। बिलो के बाद में ये पता नहीं दो डॉट आते हैं और ये आप डैश लगाते हैं आप, ठीक है ना, एज गिवन बिलो। यस सर, अब यहां पर मैं लिख देता हूं आपको, ये तो हमने अपने अब बताइए डैश इन डैश भी चल रहे हैं आज, तो यहां पर मैं पांच किस्म के जो है वो जुमलों के नाम लिख देता हूं यहां पर। नंबर वन, असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव, असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस। नंबर वन ये हैं जी बयानिया जुमले, इसमें कोई बात बयान की जाती है, बयानिया जुमले, असर्टिव सेंटेंसेस। नंबर टू, imperative sentences, imperative sentences, imperative sentences।
हुक्मिया जुमले जिसमें हुक्म दिया जाता है, हुक्मिया जुमले। नंबर थर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सर इंपेरेटिव सेंटेंसेस के, इंपेरेटिव के स्पेलिंग क्या है सर? आई एम पी ई आर ए टी आई वी ई, इंपेरेटिव सेंटेंस। आई एम पी ई आर लिखी हुई है सर। एक मिनट ठहरे मैं फिलहाल करता हूँ। ये है इंपेरेटिव है, सुने सुने। आई एम पी ई आर, ई फॉर एलिफेंट, ई आर ए टी, टी फॉर टाइट, आई वी, वी फॉर विक्ट्री, ई एलिफेंट। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंसेस हुक्मिया जुमले। नंबर थर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया जुमले। नंबर थ्री इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया जुमले। ये तो पता ही है आपको, आपने सीखे हुए हैं ये पहले। ये हो गया नंबर फोर सवालिया जुमले, नंबर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नंबर फोर यस सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जज्बाती जुमले सेंटेंसेस। ये हैं जज्बाती जुमले, इसमें जज्बात, खुशी, गमी, अफसोस के जज्बात होते हैं, जज्बाती जुमले। नंबर फाइव, नंबर फाइव ये है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, दवाइया जुमले, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। सर ऑप्टेट एक्स ऊपर वाले सर एक्सीमेट्री की स्पेलिंग क्या है सर? एक्सक्लेमेटरी, ई एक्स सी एल ए एम ए टी ओ आर वाई, ई एक्स सी एल ए एम ए टी ओ आर वाई। ये हैं जी दुआया जुमले। यस सर दुआया जुमले, ये जी लिख लें आप। कोई मसला है देखने में आप इसको, मैं इधर हो जाता हूँ इस तरफ। ये ले नजारा साफ। यस सर लिख लिया सर। हाँ जी पांच के ओके देयर आर व्हाट इज हाउ मेनी पॉइंट्स यू नोटेड सर? सेवन पॉइंट। सेवन पॉइंट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट यू राइट नाउ वी डू नॉट यूज कॉमास इन द इनडायरेक्ट स्पीच। वी डू नॉट यूज कॉमास, वी डू नॉट यूज कॉमास indirect speech in the indirect speech in the indirect speech. Yes sir speech. Yes next clear sir. Number nine. Next number. Yes sir. We make one sentence in the indirect speech. We make one sentence in the indirect speech. Indirect speech. Okay. Okay, sir. I noted you already that we do not use commas in the indirect speech. Did you note already? Yes, sir. We do not use commas in the indirect speech. Did you write it? Yes, sir. Yes. Okay, okay. Yes, sir. Okay. Let me start. Next point. Next point. Next point. We join two assertive sentences in the indirect speech. We join two. Join means jorna. J-O-I-N. Join to? We join to indirect speech. We join
टू रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच इन द इनडेप्थ स्पीच वी ज्वाइन टू रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच इन द असर्टिव सेंटेंसेस इन द असर्टिव सेंटेंसेस What you wrote? Can you repeat it? Sir, we join assertive sentences joined to report reporting and reported in the assertive sentences. We join to assertive sentences. Yes, sir. To reporting speech and reported speech. Yes, sir. To reporting speech. By that. By that. That will keep commas ke andar. By that, in the indirect speech. In the indirect speech. गड़बड़ तो नहीं है फिर रिपीट कर दूं नहीं सर हो गया सर देखें मैं आई हैव टू ओके नहीं मैं आई टेल यू वी ज्वाइन टू रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच इन द असर्टिव सेंटेंसेस बाय दैट इन द इनडेप्थ स्पीच ओके ओके सर नेक्स्ट If we change to imperative sentences from direct speech to indirect speech, if we change to imperative sentences from direct speech okay, to indirect speech, then then. Then, comma. Okay, then sir. We join to reporting speech and reported speech. Then we join to reporting speech and reported speech by two. वहाँ पर that था. यहाँ पे टू है थर्टी मिनट दैट था यहाँ पे टू है ओके सर नेक्स्ट इफ वी चेंज टू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच इफ वी चेंज टू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच then we join to reporting speech and reported speech by if then okay sir kya matlab likh liya aapne I repeat it now we join to reporting speech and We join to reported speech and reported speech by if if yes, if लिखें कॉमास के अंदर yes. मैं रिपीट करता हूँ if we change to interrogative we join to reporting speech yes sir मैं रिपीट करता हूँ if we yes, change sir, to sir. Interrogative sentences from direct speech to indirect speech then we join to reporting speech and reported speech by if इफ लिखें कोमास के अंदर चले आगे लिख लिया सर ओके राइट करेक्ट नाउ नेक्स्ट वन इफ वी चेंज टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच इफ वी चेंज टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच
देन वी ज्वाइन टू रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच देन वी ज्वाइन टू रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच बाय दैट, यहां पर फिर दैट आ गया, दैट है कॉमास के अंदर, जैसे असर्टिव में था ये वही दैट यहां पर भी इस्तेमाल होगा, दैट दैट ओके ओके सर. नेक्स्ट वी यूज इंटरजेक्शंस, वी यूज इंटरजेक्शंस इन द डायरेक्ट स्पीच ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. वी यूज इंटरजेक्शंस, यूज इंटरजेक्शन, वी यूज इंटरजेक्शंस, ओके वी यूज इंटरजेक्शंस इन द डायरेक्ट स्पीच ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ओके Noted? Yes, sir. Next, if we change to optative sentences from direct speech to indirect speech, if we change to optative sentences from direct speech to indirect speech, sir, iske spelling bole ya optative kya? Optative, optative. optative. दुआया जुमले में दुआ दी जाती है. Yes sir. If we change to optative sentences, if we change to optative sentences from direct speech to indirect speech, then we join to reporting speech and reported speech. Then we join to reporting speech and reported speech by that. इसमें भी that आ गया आपका. Sir, indirect से आगे, direct speech to indirect speech से आगे. मैं रिपीट करता हूं, इफ वी चेंज टू ऑपरेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच देन वी ज्वाइन टू रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच बाय दैट, दैट लिखे कॉमास के अंदर. ओके अब आपने एक बनाना है टेबल. एक लिखेंगे आप, एक तो लिखेंगे आप डायरेक्ट स्पीच, एक लिखेंगे दूसरे लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि कुछ तब्दीलियां होती हैं जब हम जुमले चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच, तो कुछ तब्दीलियां, कुछ वर्ड हट जाते हैं जहां पे दूसरे वर्ड आ जाते हैं. ओके ओके सर. कितने पॉइंट्स हो गए आपके पास? 15 सर. 15 पॉइंट्स. ओके इधर डायरेक्ट स्पीच कर लें, इधर इस खाने में डायरेक्ट स्पीच इधर कर लें आप, इनडायरेक्ट स्पीच. अब यहां पर अगर है दिस, डायरेक्ट स्पीच दिस है तो ये दैट में चेंज हो जाएगा, दिस दैट में चला जाएगा. अगर यहां पर अगर दीज है, जमा है, प्लूरल है, तो ये चला जाएगा दोज में, इंडेक्स में दीज दोज में चला जाएगा. अगर यहां पर एगो है ये बिफोर में चला जाएगा, एगो बिफोर में चला जाएगा. अगर यहां पर यस्टरडे है डायरेक्ट स्पीच में तो इन डायरेक्ट स्पीच चला जाएगा दी प्रीवियस डे, गुज़श्ता दिन, दी प्रीवियस डे, दी प्रीवियस डे. ठीक है. अगर यहां पर टुमारो है तो ये चला जाएगा इन डायरेक्ट स्पीच में The next day. ये खत्म हो जाएंगे, ये वर्ड आ जाएंगे The next day. डायरेक्ट स्पीच के वर्ड खत्म हो जाएंगे, जगह पे ये वर्ड रिप्लेस हो जाएंगे The next day. Yes, sir. Next day.
यहां पर अगर टुडे है, टुडे यानी कि आज, टुडे यहां पे चला जाएगा इंडेक्सिंग में, टुडे खत्म हो जाएगा, दैट डे में चला जाएगा, टुडे दैट डे में, टुडे दैट डे में, दैट डे। लिख लिया सर, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसी के आगे और भी हैं कुछ वर्ड्स, वो भी हम टेबल में शामिल कर लेते हैं ताकि आपको मसला ना हो जब हम जुमले बनाएंगे। तो एग्जांपल्स, अब यहां पर है अलास, इंटरजेक्शन है, तो इंटरजेक्शन में चला जाएगा ये एक्सक्लेम्ड विद सारो, अलास खत्म हो जाएगा, इंटरजेक्शन खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वर्ड एक्सक्लेम्ड विद सारो, अफसोस का आजार किया, एक्सक्लेम्ड विद सारो। अगर यहां पर हो रहा है डेट स्पीच में इंटरजेक्शन, ये चला जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर यहां पर आ है, इंटरजेक्शन है डेट स्पीच में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, ये चला जाएगा एक्सक्लेम्ड विद डिजायर, ख्वाहिश का इजहार किया, यहां पे है एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दुख का इजहार किया, एक्सक्लेम्ड विद डिजायर, ख्वाहिश का इजहार किया, ये खत्म हो जाएगा अला आह। और फिर है वाओ, वाओ आ गया, वाओ क्या है, एक्सक्लेम्ड विद वंडर, एक्सक्लेम्ड विद वंडर, हैरानगी का इजहार किया, हैरे का इजहार किया। सर थोड़ा साइड पे हो जाए, नजर नहीं आ रहा। हाँ देख लें, देख लें आप, नजर आ रहा है? यस सर। अब आगे और रूल्स भी हैं, अब वो शुरू करते हैं, मजीद अभी खत्म नहीं हुआ है ये, चलें आगे। लिख लिया सर, चलें जी, लेट मी स्टार्ट नाउ, नेक्स्ट रूल, हाउ मेनी नंबर्स, 16 और 15? यस सर, 16, 15, 15 है सर ये, यस। ओके, नेक्स्ट नंबर, ओके राइट, नेक्स्ट नंबर नाउ, इफ वी चेंज टू असर्टिव सेंटेंसेस from direct speech to indirect speech, then sir, aista aista bole sir, okay, if we change to assertive sentences, if we change to assertive sentences from direct speech to indirect speech, yes sir, okay, if we change to assertive sentences from direct speech to indirect speech, then yes sir, we do not change to reporting speech, but we do not change to reporting speech, but we do not change to reporting speech, yes sir, likh liya, do not change to reporting speech, likh liya sir, yes, but we change to reported speech, according to, but we change to reported speech according to reporting speech, clear sir, next, in the imperative sentences, yes sir,
वी चेंज टू रिपोर्टिंग स्पीच, वी चेंज टू रिपोर्टिंग स्पीच, मामला उल्टा हो गया ना, वहां और मामला, यहां और मामला है. वी चेंज टू रिपोर्टिंग स्पीच बट वी डू नॉट चेंज टू रिपोर्टेड स्पीच, बट वी डू नॉट चेंज टू रिपोर्टेड स्पीच. इन द इनडायरेक्ट स्पीच, इन द इनडायरेक्ट स्पीच, यस सर लिख लिए. नेक्स्ट, इन द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, In the interrogative sentences, we finish to question mark in the indirect speech. Clear, sir. Indirect speech. In the indirect speech, and we change to reporting speech. And we change to reporting speech and reported speech. We change to reporting speech and reported speech according to सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हालत के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सिचुएशन एस आई टी स्पेलिंग सर, यस सिचुएशन के स्पेलिंग सर, एस आई टी यू ए टी आई यू एन, एस आई टी यू ए टी आई यू एन, सिचुएशन हालत के मुताबिक, हालात के मुताबिक चेंज करना पड़ता है. ये आप जब एग्जाम्पल करेंगे समझ आ जाएगी बात आपको. यस सर लिख लिया. ओके, इन द exclamatory sentences, in the exclamatory sentences, in the exclamatory sentences, yes sir, we change to reporting speech. We change to reporting speech and reported speech according to situation. According to situation. Clear, sir. Next, if we change to operative sentences from direct speech to indirect speech. If we change to operative sentences from direct speech to indirect speech, then Roger, sir. Then we change to reporting speech and reported speech according to situation. देखें, ओके, यहाँ पर आप क्लोज कर दें यहाँ पर, ठीक है ना. कितना, हाउ मेनी पॉइंट नोटेड यू, आई नोटेड यू 20 और 25 सर, 20 सर, 20, ओके, यस सर, ओके इनफ, यहाँ पे आप क्लोज कर दें इसको. देखें, बात ये है
आपके टेंसेस बहुत पक्के होने चाहिए, एक्टिव और पैसिव वॉइस भी आपने सीखे, आपने कि आपके टेंसेस अच्छे थे आपके, ठीक है, ये भी आप तब सीखेंगे डेट फ्री इंडिया स्पीच अगर आपके टेंसेस अच्छे होंगे तो। एक्टिव पैसिव वॉइस और चीज थी, ये और चीज है, ये मामला बिल्कुल उलट है उसके, ठीक है। ओके सर, इससे पहले आपने मतलब ये कभी सीखे नहीं आपने डेट फ्री इंडिया स्पीच, है ना, क्यों आपने कभी सीखे हैं ये पहले, क्यों भाई शोएब? अभी आवाज ही नहीं आ रही थी सर, अभी बोले सर, मैं पूछ रहा हूँ आपने पहले कभी सीखे हैं ये, आपने डेट फ्री इंडिया स्पीच सीखे हैं पहले कभी आपने? सर सीखे हैं सर, खुद ही सीखे थे, समझ नहीं आए थे सर, लेकिन समझ नहीं आए थे। एक्टिव पैसिव वॉइस देखने वो और चीज है, ये और मामला है, वो और मामला है, ये और मामला है, ठीक है। यस सर, अभी जब हम शुरू करेंगे ना इसकी एग्जांपल, तो आपको और चीजें समझ आएंगी कौन सा किस में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। और बड़े मामला अभी पड़े हुए हैं अभी, लेकिन ये बेसिक चीजें मैं आपको रूल बता दिए मैंने आपको, जनरल रूल मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, इसको आपने होमवर्क करके मुझे भेजना है, सिर्फ एक दफा लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है ना। देखें ओके सर, बात यह है कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट स्पीच में जो है दो अशखास आमने सामने फेस टू फेस बात करते हैं, जैसे कोई आपको बाजार में दोस्त मिल गया, ठीक है, आपका कजन मिल गया, तो आप बैठ के, आपके घर कोई आ गया मेहमान, तो आप उसे बैठ के फेस टू फेस आमने सामने बैठ के बात करते हैं, ये डायरेक्ट स्पीच है, ये आपकी डायरेक्ट बात हो रही है, समझ आई मेरी बात। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच ये होता है कि आपका जो दोस्त है वो आपसे पहले मिला, वो डायरेक्ट स्पीच था, फिर वो किसी तीसरे दोस्त से जाके मिला और आपके बारे में बात करता है वो, लेकिन आप वहां मौजूद नहीं है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। ओके सर, ये पॉइंट को समझने की कोशिश करनी, ये हमारे जिंदगी का आम सा हिस्सा है, कोई ऐसी नई बात नहीं है। यस, तो फिर इसके बाद डायरेक्ट स्पीच में कोमास का इस्तेमाल है, इनडायरेक्ट में कोमास का इस्तेमाल नहीं होता। डायरेक्ट स्पीच में जुमले के दो हिस्से होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में दो जुमले खत्म होकर जुमला बन जाता है। ओके, यस सर, यस सर। अच्छा, वो टेबल में एक और चीज डाल दें, टेबल जो है अभी जो मैंने देखें, अगर नाउ है डायरेक्ट स्पीच, अगर नाउ है, याद है मुझे और भी कुछ, नाउ चला जाएगा देन में, अब चला जाएगा तब में, ये भी आप शामिल कर लें, जगह छोड़ी आपने उसमें, क्या चीज सर, नाउ यस सर, लास्ट वाला क्या, टेबल में, टेबल में जो बनाया था मैंने आपको, डायरेक्ट स्पीच में क्या वर्ड होंगे, चेंज होंगे, इंटरेस्टिंग चले जाएंगे, नाउ देन में, नाउ नाउ देन में हो गया, उसके बाद देन में चला जाएगा, नाउ खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर जी, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि आगे सर जी, नाउ से कोई नीचे, नाउ से नीचे कोई वर्ड लिखवाया सर? नहीं नहीं, नाउ नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ नाउ लिखवाया मैंने आपको। ओके सर, नाउ से पता वाओ है ना, वो तो पहले पहले लिखवाया था मैंने आपको, नाउ चला जाएगा देन में जी। ओके सर, मैं कह रहा हूँ कि डेट्स में जो पांच किस्म के जुमले हैं आपके, इनमें डेट्स में जुमले के दो हिस्से हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। ओके सर, तो ये चीजें मुश्तरक हैं। फिर मैंने आपको ये बताया, अभी जब टेंसेस का मामला है कौन से किस में चेंज होगा, जब हम एग्जांपल शुरू करेंगे तो आपको साथ साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, कौन से किस में जा रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको लिखवाऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ओके, जब एग्जांपल करेंगे ना तो हम साथ साथ कर देंगे कौन से किस में चला जाता है, ये मामला किस में है, वो किस में है, ठीक है। अभी बेसिक चीज ये है, इसको आप कर लें ताकि आप इतना आप इसमें परफेक्ट हो जाए, ये भी बहुत है आपके लिए फिलहाल आज के लिए। तो फिर दूसरी चीज़ें हम जो है वो कल करेंगे, और फिर आपका टेस्ट भी है, और नहीं वो टेस्ट आपका मंडे को करेंगे ना, संडे को भी करेंगे, क्योंकि ये आपके कम्प्लीट हो जाए ना, आपके डेफ इंडस्ट्री कम्प्लीट हो जाए आपके। ओके, अच्छा, ओके सर। फिर इसमें जैसे का इस्तेमाल किस में है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, पांच के जुमले हैं हम डेट स्पीच इंडिया स्पीच में चेंज कर सकते हैं। नंबर वन असर्टिव सेंटेंसेस, नंबर टू इंपेरेटिव सेंटेंसेस, नंबर थ्री इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, नंबर फोर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, नंबर फाइव ऑपरेटिव सेंटेंसेस।
अब इंटरजेक्शन का इस्तेमाल किधर होता है? डायरेक्ट स्पीच में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के डायरेक्ट स्पीच में इंटरजेक्शन का इस्तेमाल होता है. ओके, ये निशानी है. अब आपने पांचों किस्म के जुमलों के बीच दो किस्म की बातें आ गई हैं. ये तो आपको ये जज करना होगा कि टेंस टेंसेस आपको पहले जज करने होंगे, कौन सा टेंस कौन सा है. फिर इसके बाद दूसरी बात क्या है, पांच किस्म के जुमलों में से कौन सा जुमला है, ये भी जज करना होगा आपको. समझ आ रही मेरी बात आपको? यस सर. जिम्मेदारी डबल हो गई है. एक तो आपको टेंसेस पक्के होने चाहिए आपके इसके लिए सीखने के लिए. दूसरी बात क्या है, फिर आपको यह जज करना है पांच किस्म के जुमलों में से कौन सा जुमला है, उसके मुताबिक आप तब्दीलियां करेंगे, इसके मुताबिक आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे. ठीक है? ओके सर. अब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जो किस से जोड़ा जाएगा, असर्टिव सेंटेंस को हम जो है रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को हम दैट से जोड़ेंगे. इंपेरेटिव सेंटेंसेस में डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को हम टू से जोड़ेंगे. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को हम इफ से जोड़ेंगे. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को दैट से जोड़ेंगे. ऑपरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को दैट से जोड़ेंगे. क्या बात साबित हुई? असर्टिव आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑपरेटिव सेंटेंसेस तीनों को हम दैट से जोड़ेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को दैट से जोड़ेंगे. और इंपेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को टू से जोड़ेंगे. यस सर. मजीद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को इफ से जोड़ेंगे. ये चीजें रट्टा मारने वाली चीजें हैं सारी. ठीक है? इफ से जोड़ेंगे. जी. ओके सर. आपके सामने टेबल लिखवाया मैंने. डायरेक्ट स्पीच में अगर कुछ अल्फाज हैं इनडायरेक्ट स्पीच में वो चेंज हो जाएंगे. दिस दैट में चला जाएगा, दिस दोज में चला जाएगा, टुडे दैट डे में चला जाएगा, यस्टरडे द प्रीवियस डे में चला जाएगा, टुमारो द नेक्स्ट डे में चला जाएगा, एगो बिफोर में चला जाएगा, नाउ देन में चला जाएगा, अलास एक्सटेंड विद सारो में चला जाएगा, हुर्रा जो है एक्सटेंड विद जॉय में चला जाएगा, आहा जो है एक्सटेंड विद डिजायर में चला जाएगा, और वाओ जो है एक्सटेंड विद वांट में चला जाएगा. यस सर. अभी अब इतना हजम कर लें, आज ये बहुत है आपके लिए. ठीक है? यस सर. बाकी जो है कल करेंगे इंशाल्लाह. कल वैसे भी एकेडमी आ जाएंगे आप. ठीक है ना सर? 9 बजे आना है ना? टाइम आपका 9 बजे का है ना क्लास का? यस सर. 9 बजे पहले बता दिया था मैंने आपको. ठीक है ना? यस सर. अब यही टाइम आपका रहेगा आप. ठीक है ना? ओके सर. तो क्योंकि सर्दियां भी हैं अभी. ठीक है ना? तो ये टाइम ठीक है आपके. ओके ओके सर. तो जवाद को भी खैर मैंने आप ही बता देने, वैसे बता तो दिया था मैंने, मैसेज तो किया था मैं ये टाइम पे आने सबने सब ग्रुप में, मैंने पुलिस क्लास में ग्रुप में मैसेज कर दिया था मैंने हर क्लास के टाइम के मतलब. सर आपकी क्लास का टाइम से चेंज? सर मैं उसे बता भी दूंगा. बाकी क्लास का टाइम वही है सर. आपका क्लास का टाइम 8 से 9 था, पहले 8 बजे था, 9 बजे हो गया आपका. तो पहले अच्छा हो गया, बल्कि बाकी सब क्लास का टाइम वही है, सेम है. ठीक है ना? जो पहले चल रही थी वही ऑनलाइन हो गई थी, वही ऑफलाइन, वही टाइम होगा उनका सब. आपका टाइम चेंज हो गया, 9 से 10 हो गया, सॉरी 10 से 11. ठीक है ना? नहीं 9 से 10 है ना आपका यार, सॉरी 9 से 10 है ना, 9 से 10 मैंने कहा था ना आपको. आपका टाइम 9 से 10 होगा ना, पहले 8 से 9 था. यस सर. हाँ आपका टाइम 9 से 10 है. 8 से 9 था, बड़ी 9 से 10 ही मैंने कहा था आपको ना. यस सर. हाँ ये टाइम आपके 10 से 11 जो है ये तो यहाँ आने क्लास का था ना आपका, लेकिन आपका टाइम जो है वो 9 से 10 है. 9 बजे आपने आ जाना है यहाँ पे. ठीक है? पूरे 9 बजे. यस सर. यस ये ख्याल करना आपने, उसको बता देना, उसको भी जवाद को भी 9 बजे टाइम है, 9 बजे अकेडमी आना है. जवाद को
आपको फायदा हो गया ना, पहले 8 बजे टाइम होता था, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आना था, अपने फिर धूप नहीं होती थी, ठीक है ना। आपके लिए टाइम हो गया 9 से 10, मैं पहले आपको यही टाइम बताया था मैंने आपको, है ना, याद है ना आपको, यस सर पहले भी आपको मैंने ये बताया था कि 9 से 10 ही ठीक आपने था आना। जी बस याद रखिएगा, टाइम अपने नहीं भूलना आपने, तो कल से आप आ जाएंगे, आपके आधे बन जाएगी परसों से फिर। अब यस सर इसको आप देखिए, देख लें ये रूल्स को, मुझे आप एक दफ़ा नीट एंड क्लीन करके ना होमवर्क करके मुझे भेज देना, और पिछला काम भी जो कल का है वो भी भेज देना मुझे, ठीक है। यस सर वो भी भेज दूंगा सर तो बाकी आप जब हम जब एग्जाम्पल करेंगे इसकी अभी, तो कल भी हम एग्जाम्पल शुरू कर देंगे, हम जो नए कुछ नए रूल्स है वो साथ लगा देंगे, हम जो टेंथ में चेंज होते हैं, दूसरे टाइम में जो तब्दीलियाँ होती हैं, तो फिर परसों से हम बिल्कुल एग्जाम्पल टोटल टोटल कर लेंगे हम सैटरडे को, और फिर इंशाल्लाह मंडे को टेस्ट करेंगे, छुट्टी भी ओके बीच सर में आ जाएगी आपकी, ठीक है ना, यस सर तो तैयारी भी कर लेंगे अच्छी तरह से। सर किसको? बॉटम को उर्दू में क्या कहते हैं सर बॉटम बॉटम बॉटम, बॉटम, यस सर BOTTOM, तो पैंदा, क्या सर पैंदा, पैंदा, यस सर पैंदा पैंदा होता है कप का ओके या सर बाल्टी का, नीचे से पानी जब डालते हैं, जो नीचे से पानी ऊपर आता है, राइज होता है ना, ठीक है, यस सर सबसे लिख निचले लिया से जो ठीक बर्तन का है होता है वो मैं नाम पैंदा, भेज पैंदा होता है, बॉटम, ठीक है ना। और कोई बात? और कोई सवाल तो नहीं है? जी शुएब, लिख लिया सर जी कोई सवाल तो नहीं? और कोई? जी शुएब, आ रही है बात आपको? यस सर वो सिग्नल चले गए थे वापस क्लास ऑन किए हाँ ठीक है, ठीक है, मैं आगे क्या बात, सर ठीक है, इतना बहुत है, कभी भी आगे शुरू करेंगे, पहले आप डेट्स में इंटरेस्ट आपके हो जाए ना, या लैंग्वेज शुरू करेंगे हम, तो फिर यस हम सर फिर बार आपकी कभी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। ओके सर ओके, क्लास इज गोइंग टू एंड नाउ, विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज।